गाइस ये देखिए कुछ इस तरह का व्यूज है। हे गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग और आप देख रहे हैं ट्रैवलर सुशील। तो आज है गाइस संडे, तो जैसे कि पिछले ब्लॉग में आप लोगों को बताया था कि हर संडे को आपसे मिलूंगा, बट कुछ दिक्कत की वजह से पिछले संडे का ब्लॉग नहीं आ पाया। तो गाइस अभी हम हैं नेपाल में और हमारे साथ हैं ये सुरेश यादव जी देखिए, और ये पीछे मेरा भाई सन्नी यादव। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक जगह, उस जगह का नाम है त्रिवेणी जी, वहाँ पे बहुत सारे घूमने का स्पॉट है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से वहाँ पे। गाइस आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का रोड है हमारे नेपाल में, मतलब हालत खराब हो गई है गाइस, गाड़ी की भी और हमारी भी। तो गाइस ये है सिसपुरवा का पावर हाउस, देख सकते हैं पीछे भी है, आगे दिखाते हैं आपको। यहाँ पे बिजली बनती है, ये सिसपुरवा का नहर इस तरह, इधर से भी देख सकते हैं आप। 6 किलोमीटर मशक्कत करने के बाद हम लोगों को रोड थोड़ा सा काफी अच्छा दिख रहा है। तो गाइस ये है देखिए नेपाल का 1000 का नोट और हमारे इंडिया में बैन हो गया, मोदी जी ने बैन कर दिया, अभी भी यहाँ पे चल रहा है 1000 का नोट। देखिए ये है आपका त्रिभुवन कैंपस बेलाटारी, देख सकते हैं ये यहाँ का कैंपस है, कैंपस मतलब एक यूनिवर्सिटी की तरफ का आप कह सकते हैं। गाइस ये देखिए अब पूरा एकदम क्लियर दिखने लगा, कैमरा उतना जस्टिफाई नहीं कर पा रहा होगा लेकिन सामने से बहुत ही खूबसूरत नजारा है। ये नेपाल का है चटपट, आंटी उतर दिन ना आज चम्मच दिन था। गाइस हम पहुंच चुके हैं नेपाल के त्रिवेणी धाम में और ये ऐसा एक धाम है जहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है और यहाँ पे कुछ थोड़ा सा टूरिस्ट टाइप, यहाँ पे टूरिस्ट लोग बहुत लोग आते हैं अभी। तो एक न्यू ब्रिज बनाया गया है, तो आइए आप लोगों को दिखाते हैं, लंदन ब्रिज भी आप इसे कह सकते हैं। तो देखिए आपके सामने ये है गाइस, देखिए लंदन ब्रिज टाइप का दिख रहा है, यहाँ की वाइब्स बहुत काफ़ी अच्छी आ रही हैं। तुम तो सन्नी यहाँ पहले आते होगे, बहुत एकदम हमारे साथ होगे ना, आपका पहली बार है ना? पहली बार है। ये देखिए इधर नदी पूरी यहाँ पे और ये कुछ इस तरह का यहाँ का नज़ारा है। अभी पानी तो है नहीं उतना, यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी है, बहुत लोग इंडिया से भी आए हैं, नेपाल के लोग भी आते जाते हैं। तो गाइस हमारा भी यहाँ पे पहली बार आना हुआ है, ये आपका पड़ता है अगर आप इंडिया से आते हैं ठूठीवारी साइड से तो ये आपका पड़ेगा त्रिवेणी जी में और इधर आपका इंडिया बॉर्डर सिसमौड़ इधर है। अभी चलते हैं उधर, इस तरफ गाइस अपना बिहार है उस तरफ सामने और इस तरफ का नेपाल है जो कि चितवन नेशनल पार्क बोलते हैं हम लोग। तो गाइस मतलब पहली बार आए हैं लेकिन बहुत ही अच्छा व्यू जा रहा है। और देखिए ये सन्नी अंकल आपके पानी पानी देना पानी। तो गाइस ये देखिए वीडियो बनवा रहे हैं यहाँ पे, बाइक अडियस ला रहे हैं, बढ़िया आया है हवा जी गजा। इस तरह का नज़ारा है यहाँ का, देख सकते हैं पूरा, मतलब अगर आप लोग यहाँ पे आना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अगर बिहार साइड से आते हैं तो आप कौन सा जगह है ये अंक? त्रिवेणी, त्रिवेणी धाम। और बिहार से अगर आप आते हैं तो वो उधर कौन सा भैंसा लोटन एक जगह है, इस पार आइए नेपाल में एंड देन यहाँ पे आ जाइए। और उसके बाद यहाँ बगल में ही एक गजराज मोक्ष धाम है, वहाँ पे भी घूमने फिरने के लिए अच्छी जगह है। तो अभी वहाँ पे भी हम लोग चलते हैं, तब तक बने रहिए वीडियो में और इंजॉय करिए। और मेरा ये ब्लॉग आपको अगर आप लोग को अच्छा लगता होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो फाइनली गाइस गाड़ी नीचे उतार दिए हैं, देख सकते हैं, और वो रहा ब्रिज
कितना अच्छा दिख रहा है, देख सकते हैं। और यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है, बहुत शांत है। और इधर आपका पानी है, अभी जब बाढ़ का सीज़न रहता है तो ये पूरा वहाँ तक भी पानी रहता है और इधर पूरा पानी रहता है, ये खाली नहीं रहता है यहाँ पे। तो माइंड मत करिएगा, अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आइए, बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत ही अच्छी सुंदर जगह है, घूमने लायक है गाइज। तो फाइनली गाइज हम लोग अब यहाँ से निकलते हैं, और यहाँ तक वीडियो आप लोगों ने देखा तो कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई आपको यहाँ के रिलेटेड कोई भी आप क्वेरी होगी तो हमारे इंस्टाग्राम पे ज़रूर मैसेज करिएगा। तो अब चलिए चलते हैं इंडिया, टाइम भी हो गया क्योंकि 7-8 बजे बॉर्डर क्लोज हो जाता है। तो